नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि 69,000 कट ऑफ मुद्दे के दोस्तों ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। आज दिन दोस्तों कॉजेस का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपकी जो बेंच है वो नहीं बैठ रही है, तो उसी क्रम में दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर 69,000 और साथ में अन्य खाली पदों को भरने का जो मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ था वो फिलहाल दोस्तों लिस्टेड हो गया सुप्रीम कोर्ट में। कब सुनवाई होगी इसको लेकर बात करेंगे, साथ में 69,000 कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर की अपडेट भी कवर करने वाले हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें अब सरकार फैसला ले सकती है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को स्थगित को लेकर, इसके बारे में दोस्तों आपको महाबहस भी सुनाने वाले। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा भोला प्रसाद शुक्ला का दोस्तों जो मामला आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है भोला प्रसाद शुक्ला के ऑर्डर के अंदर दोस्तों आपने पहले भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 69,000 समेत सभी पदों को भर दिया जाए। 6 महीने का समय दिया था जो कि जुलाई के अंदर पूरा हो गया। अब ऐसे में जुलाई निकल चुकी है, 69,000 तो ही नहीं, बाकी के पदों का क्या होगा आप सभी को बताएं, क्योंकि उनका तो विज्ञापन भी नहीं निकला है। 1,37,000 पदों के सापेक्ष कहा गया था सभी पदों को भरना, ऐसे में दोस्तों नहीं भरे गए तो अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। कोर्ट जाने के बाद में आपने देखा कि 6 महीने का समय मिला था। अब ऐसे में 6 महीने निकल चुके हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लंबित है, तो 69,000 का भी दोस्तों जैसा आपको यहां पे याद आ जाएगा कि दूसरी तरफ आपको 6 महीने का जो समय दिया था वो दोस्तों अगस्त के अंदर पूरा होता हुआ दिखाई दिया, मतलब अगस्त का भी 1 महीना ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में 69,000 का ऑर्डर भी जल्द आएगा। दूसरी तरफ जो खाली पद पड़े हुए हैं उनके बारे में यहां से आपको एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल सकती है जो कि लगभग 22,000 के आसपास है। तो ऐसे में मामला दोस्तों लिस्टेड हो चुका है जो कि आप सभी के सामने ललित सर की बेंच के अंदर आपको देखने के लिए मिला है। कोजिस के अंदर 3 नंबर पर लगा है जिसकी सुनवाई 13 अगस्त को देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ललित सर 13 तारीख को बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें मोहन सर नहीं बैठ रहे हैं, जिस वजह से 69,000 कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है वो नहीं आ पा रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखेंगे 13/8/2020 की जो कॉजिस्ट है वो जारी होगी है। ऐसे में दोस्तों 14 तारीख को भी अगर दोस्तों आपकी बेंच नहीं बैठेगी तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि 69,000 कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है वो 14 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी क्रम में दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते 13/8/2020 की जो कॉजिस्ट जारी हो चुकी है विनीत शरण सर के साथ उमेश ललित सर, लेकिन ऐसे में दोस्तों अगर बात करें पूरी कॉजिस्ट के अंदर यहाँ पे मोहन सर बैठते हुए दिखाई नहीं दे, जिस वजह से आपका जो ऑर्डर है वो नहीं आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों मान के चलिए कि अगले हफ्ते दोस्तों आपको खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी, उससे पहले संभावना काफी ज्यादा कम हो गई है। बाकी 14 तारीख को अगर कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों बात जो थी 69,000 के बारे में। दूसरा मुद्दा आप सभी को बताया कि 69,000 के साथ साथ एक और मुद्दा लगा है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी भोला प्रसाद ऑर्डर को लेकर, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें 69,000 के बारे में सप्लीमेंट्री कॉजिस भी दोस्तों जारी होगी जो कि दोस्तों आप से यहाँ पे भी देख पाएंगे, उसके अंदर भी दोस्तों आपका जो मामला है वो नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे में 69,000 कट ऑफ मुद्दे का दोस्तों जो ऑर्डर का इंतजार है वो लगभग आपका दोस्तों समाप्त होगा 16 तारीख के बाद ही। 16 तारीख के बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो कोर्ट खुलेगी सुप्रीम कोर्ट, उसी के अंदर आपको जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल सकता है। इंतजार रहेगा मोहन सर के आने तक का, जैसे ही आपकी बेंच बैठेगी प्रबल संभावना है कि जो आपका ऑर्डर है दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप सभी इंतजार करते ये। तो ये तो दोस्तों बात होगी 69,000 के बारे में। वहीं दूसरी तरफ आज अभ्यर्थी की तरफ से दोस्तों ट्विटर वायरल भी किया गया जिसके अंदर पहले नंबर पर ट्रेंड भी हुआ जिसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। अब हम बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर, हम बात नहीं करेंगे, हम दोस्तों आपको सुनाने वाले हैं महाबहस जिसके माध्यम से कहा गया है, जिसके माध्यम से अपील की गई है अगर अभी भी आपकी परीक्षा स्थगित ना हो तो आप मान के चलिए दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रदेश के अंदर आप सभी ने देखा ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्ट्री चैनल के साथ साथ दोस्तों कुछ लोगों की तरफ से आपकी जो आवाज़ है वो तो उठाई गई, लेकिन अगर बात करें नेशनल मीडिया के अंदर किसी भी परीक्षा के बारे में दोस्तों आपकी जो आवाज़ है वो देखने के लिए नहीं मिली थी। अब ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर यहाँ पे महाबहस देखने के लिए मिली है। एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है बीएड प्रवेश परीक्षा का, उसके बाद भी दोस्तों अगर परीक्षा स्थगित नहीं हो, परीक्षा करा रहे हैं तो हम किस मुंह से फिर ये कहेंगे कि भाई घर से मत निकलो, 5 से ज्यादा लोग एक साथ मत रहो कहीं इकट्ठे, किस मुंह? तो नैतिक अधिकार बचेगा क्या? फिर तो भाषण है इधर से सुनो इधर से निकाल दो, कोई बोले यही है। देश कुशल बहुतेरे जे आचर ही सुनर न घनेरे, कौन भरोसा करेगा? जिसने कल टीवी पर वो दृश्य देख लिए 4.25 लाख बच्चा सड़क पर उत्तर प्रदेश में, वो आदमी दो ही अर्थ निकालेगा सामान्य जन, या तो वो कहेगा कोरोना खत्म गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक, उसको फिर आप नहीं समझा सकते। चाहे
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बोले, चाहे कलेक्टर साहब बोले, चाहे कप्तान साहब बोले, चाहे सीएमओ साहब लाउड स्पीकर लेके घूमे। फिर आप उनको बोले हमने टीवी पे देखा रेल अम्पेल चल रही बढ़िया से, कहीं कोई अब कोरोना प्रोना नहीं। एक फिर WHO चाहे गाजीपुर में अपना ऑफिस खोल ले, फिर वो कुछ कर नहीं सकता है, जान लो, लिख लो मेरी बात जी। या वो दूसरा अर्थ निकालेगा कि बाप रे बाप, ये जो बाबू लोग हैं, नौकरशाही है, ये मरवा देना चाहती बच्चों को। दोनों ही अर्थ खराब, शासन के लिए खराब, प्रशासन के लिए खराब, समाज के लिए खराब, जनता के लिए खराब। तो ऐसा काम क्यों किया, क्यों किया? मैंने बरेली का दृश्य देखा, प्रयागराज का देखा, वाराणसी का देखा, लखनऊ का देखा, कानपुर का देखा, कल क्या फिर सिनेमा हॉल क्यों बंद किए, उसको भी खोलो, वहां तो इतना रेल अम्पेल है नहीं, एक सिनेमा में 4 लाख आदमी थोड़ी ना घुस रहा। अरे 1500 वहां भी देखता रहेगा कुछ अच्छी फिल्में, कोरोना में जो दुख आया है वो भी दूर होगा। खोलो कल से सिनेमा हॉल, काय को ड्रामा कि नहीं सिनेमा हॉल नहीं चलेगा, मेट्रो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं, सब खोल दो। 5.25 लाख बच्चा 16 तारीख को इम्तिहान देगा, जिसमें ये एक अवधेश, ये नौजवान है हमारे साथ, एक पाली में परीक्षा रखी विद्वान अधिकारियों ने, 5.25 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में संकेंद्रित होगा बाहर से आके, उसके बाद कोरोना रोकेंगे। और जो ऐसा कह रहे हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम, उनकी बुद्धिमत्ता को मेरा नमन, वो लोग समझदार नहीं है ना, उनको समझ ही नहीं, वो कोरोना की गंभीरता नहीं समझ रहे। कल ही मैं देख रहा था, एक कोई डॉक्टर साहब थे महाराष्ट्र में, वो ये मिशन चला रहे थे कि कोरोना अफवाह है, कोरोना कुछ नहीं है, और सोशल मीडिया पर धुआंधार बेटिंग कर रहे थे। कल मैंने खबर, दुखद खबर पढ़ी कि वो कोरोना से दिवंगत हो गए। कोरोना है, यही तो रोना है कि कोरोना है। या मुझे आज बहस में नवीन बाबू ये बता दें कि भैया ये इम्तिहान बिना कराए उत्तर प्रदेश की GDP डूब जाती। बिल्कुल, 23 करोड़ लोगों को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पाती अगर ये BEd का इम्तिहान नहीं होता या BEO का नहीं होता। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, 2 दर्जन, बाकी तो दुर्गेश ज्यादा आंकड़ा रखते हैं, मेरी समझ में 2 दर्जन ऐसे भर्तियां हैं जिनके इम्तिहान, साक्षात्कार, सब कुछ हो चुके, उनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग देनी है, वो काम नहीं किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई खतरा नहीं, एक नया इम्तिहान करा दिया और दूसरा फिर लाइन में लगा दिया, पाइपलाइन में। भाई मैं इससे सहमत नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं गुजारिश लेके फिर आया आज, एक बार पहले आया था कि BEd का भी मत कराओ, नहीं माने, ठीक है, लोकतंत्र है, मुझे अनुरोध करने में कोई हकतल्फी नहीं, मैं अपने 23 करोड़ लोगों के लिए बार बार दरवाजे पर जाऊंगा और कुंडी खटखटाऊंगा सरकार की, मेरा काम ही है, मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे इसमें भी शर्म नहीं कि मेरी बात नहीं मानेगी, समय तो लिखेगा कि मैंने अपनी बात कही थी, मानना ना मानना दूसरों का विषय, समय यह तो नहीं कहेगा कि अमिताभ जी आप भी अपराधी हो, आप उस समय मौन थे, मैं ऐसा अपराध लेकर नहीं जीना चाहता, अपराध बोध इतिहास में तो दर्ज हो जाएगा कि मैंने अपने शिद्दत भर, अपनी क्षमता भर, अपनी सामर्थ्य भर आवाज उठाई, मानना ना मानना प्रमुख सचिव, अवर सचिव, नियुक्ति सचिव, इम्तिहान सचिव कौन कौन है उनका है, माने तो ठीक भाई, नहीं माने तो ठीक, बाबू लोग हैं उनको कौन क्या कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र में जो हमको संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसका तो मैं उपयोग करूंगा, मैं आखिरी क्षण तक कुंडी खटखटाऊंगा, आप नहीं खोले आपकी मर्जी, लेकिन 23 करोड़ लोग तो देखेंगे कि वाहिद एक शख्स था जो कुंडी खटखटा रहा था पागलों की तरह और कह रहा था ये मत करिए, ये रास्ता ठीक नहीं। आज इसी पर चर्चा करने आया हूं, मेरा मन खिन्न है। कल बरेली में एक बच्चा था,
एग्जाम देने बैठा, कापी पेन खोल के अर्चा पर्चा बटा बीएड का, 15 मिनट बाद उसको फीवर चढ़ने लगा, खांसी आने लगी, कोरोना के जो पैरामीटर्स हैं उस पर मामला गड़बड़ा गया, तत्काल प्रभाव से उसको आइसोलेट करना पड़ा ले जाके। क्या करा रहे हैं हम और क्यों करा रहे? तो अभी अभी दोस्तों आपने महाबहस को सुना, जिसके अंदर स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि जिस प्रकार प्रदेश के अंदर दोस्तों जो हालात बने थे बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान, ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर ना बने। यहाँ परीक्षा केंद्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर सरकार चाहे तो इस परीक्षा को स्थगित कर सकती है, हो सकता है इसके ऊपर आपको एक फैसला देखने के लिए मिल जाए। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपसे अपनी तैयारियाँ करते रहिए, जो भी जैसी भी अपडेट निकलेगी लगातार आप सीखो ऑनलाइन डॉ फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।